हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज यूपीएससी, आईसीएसई, सीजीएल या कोई भी, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है। सो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को अच्छे से जानेंगे कि सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी और जितना आपके लिए ये वीडियो मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊं उतना मैं बनाऊंगा। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स भी। ये आप डिस्काउंट अवेल करने के लिए studyiq.com में जा सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपकी सारी क्वेरीज आंसर कर दी जाएंगी। सो इस वीडियो के अंत तक हम इन सब टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे। सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया, सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर देखिएगा इसको। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, वी विल स्टडी एवरीथिंग। फिर उसके बाद ये भी जानेंगे कि वेरियस प्लैनेट्स में क्या खास बात है, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्लैनेट की सैटेलाइट में क्या खास बात है और वहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है साइंटिस्ट का। इन डेप्थ डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को। लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये धरती है। ऑफ कोर्स थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप देख पाओगे कि धरती जहां पे हम रहते हैं वो कितना छोटा सा पार्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम विराट है, खूबसूरत है और जानने में काफी आपको एक इंटरेस्ट आएगा कि ये बना कैसे, आखिर इसी सीक्वेंस में सब कुछ क्यों है कि सूरज बिल्कुल बीच में है, बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास रोटेट कर रहे हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स भी हैं, मीटियर्स भी हैं, तो ये सब ऐसा कैसे बना, सिर्फ ये इसमें कुछ चेंजेस क्यों नहीं है, सिर्फ सब कुछ ऐसा ही क्यों है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सोलर सिस्टम है कहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। अब देखो, यहां पे कुछ बेसिक्स बता रहा हूं, ये जानना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पूरा ब्रह्मांड हमको घूमना है। देखो, धरती एक प्लैनेट है, अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ग्राफिक से, बहुत ही छोटा पार्ट है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम एक बहुत ही छोटा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। अब मिल्की वे गैलेक्सी भी अपने आप में एक ज्यादा बड़ी गैलेक्सी नहीं है, मिल्की वे गैलेक्सी से बिल्कुल करीब, बिल्कुल तो नहीं, रिलेटिवली एक करीब एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो मिल्की वे से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब देखो, सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसको हम कहते हैं सन, SUN, आपको पता ही होगा। अब ये स्टार कोई निराला नहीं है, ऐसे स्टार यूनिवर्स में हर जगह है, इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं। तो बेसिकली सन इज जस्ट अ स्टार, एक ऑर्डिनरी सा स्टार है और यहां से हमको पता लगता है कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स में। हम जो हमारे छोटे से प्लैनेट में हमारी पॉलिटिक्स होती है, वॉर्स होती हैं, रिलीजन को लेकर नफरतें होती हैं, मुझे इसलिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का जो व्यू होता है यूनिवर्स के प्रति इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो यूनिवर्स को ऐसे देखते हैं कि इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूमंगस, उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है। तो इसीलिए कई बार हमको यूनिवर्स को देख के ये सीखना चाहिए कि वी आर सो स्मॉल। खैर, ये तो एक ह्यूमन एंगल हो गया देखने का। वापस आते हैं पढ़ाई पर। देखो, सोलर सिस्टम में अर्थ आता है, अर्थ एक बहुत ही छोटा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, यहां पे आता है सोलर सिस्टम, ठीक है। बाकी और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, खोज जारी है। मिल्की वे गैलेक्सी एक लोकल ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज से भी बड़ी गैलेक्सीज हैं, मैंने आपको बताया। और फिर ये गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती है, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती है, उसमें अनगिनत स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर वो क्लस्टर्स, बहुत सारे जब क्लस्टर हो जाते हैं तो एक बनता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर से बड़ी बॉडी हमारे नोन यूनिवर्स में नहीं है। रिसेंटली एक टीम थी इंडियन साइंटिस्ट की, उन्होंने पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर ढूंढा जिसका हमने नाम दिया है सरस्वती सुपर क्लस्टर। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं आराम से। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मिल्की वे गैलेक्सी भी सरस्वती सुपर क्लस्टर में आती है? जी नहीं, हम किसी और सुपर क्लस्टर में आते हैं, उस सुपर क्लस्टर का नाम है
लेनिया किया, यहाँ पे आपको स्पेलिंग दिख रही होगी इसकी, लेनिया किया। तो हमारा सुपर क्लस्टर है ये, और मिल्की वे गैलेक्सी ऑब्वियसली इसमें आती है। अब ये बेसिक्स आपने समझ लिए, अब समझते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे था। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो यूनिवर्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ इस सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सारे सुपर क्लस्टर्स, सरस्वती सुपर क्लस्टर, लनिया क्या, उसके अलावा और भी सुपर क्लस्टर्स हैं काफ़ी सारे, उन सब की शुरुआत कब हुई थी? अब ये माना जाता है, इसकी थ्योरीज है बहुत सारी, मगर सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ऑफकोर्स आपने सुनी ही होगी, द बिग बैंग थ्योरी। वहाँ पे ये माना जाता है कि करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगुलैरिटी से इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड एक्सपैंड करता गया। तो उसी थ्योरी से हम चलते हैं आगे, कि बिग बैंग थ्योरी ने जो अपना काम करना था कर दिया, सिंगुलैरिटी से पूरा यूनिवर्स आगे एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले जो सोलर सिस्टम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं था। इसकी जगह एक बहुत ही बड़ा नेब्यूला था। सर, नेब्यूला क्या होता है? दिखाता हूँ, वेट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा होता है नेब्यूला, ये एक एग्जाम्पल है नेब्यूला का। बहुत सारे नेब्यूला होते हैं, आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नेब्यूला तो आपको वेरियस वहां पे इमेजेस मिल जाएगी। नासा अपने टेलीस्कोप से इमेजेस लेता रहता है इनकी। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा क्लाउड होता है कॉस्मिक डस्ट और बहुत सारी गैसेस का। सोलर सिस्टम से पहले, सोलर सिस्टम की जगह वहां पर एक बहुत ही बड़ा नेब्यूला था, मतलब कि एक क्लाउड था बहुत सारी गैसेस का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गैसेस थी वो इवेंचुअली घूमना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दे स्टार्टेड रोटेटिंग। और बीच में जो सबसे हल्की गैसेस थी, फॉर एग्जाम्पल हीलियम और हाइड्रोजन, वो इकट्ठा हो गई, और उससे हमारे सन का जन्म हुआ। और बाकी सीधी सी बात है, जब लाइटर गैसेस सेंटर की तरफ आ रही थी तो उससे जो ज़्यादा डेंस गैसेस थी वो थोड़ी बाहर गई, और उसकी वजह से बाकी जो बॉडीज थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपच्यून, यूरेनस, जो और मेजर गैस प्लैनेट्स हैं, वो वजूद में आए। और धीरे धीरे जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, अर्थ, वीनस, ये बहुत बाद में ये भी वजूद में आए। तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। अब देखो, सोलर सिस्टम के बारे में जो भी मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई, ये एक थ्योरी है, इसको कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ये 17th सेंचुरी के आसपास वजूद में आई थी, और ऑफ कोर्स ये एक थ्योरी है, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सन 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टोन नाम के दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एक और थ्योरी दी, कि उन्होंने ये तो बोला कि ठीक है, यहाँ पर एक जमाने में नेब्यूला था और नेब्यूला से सूर्य बना, मगर इमीडिएटली यहाँ पर जो बड़े बड़े हमको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, और यहाँ पे फिर और प्लैनेट्स भी हैं, ये अपने आप उस नेब्यूला के रिजल्ट से नहीं आए, नेब्यूला से बस सन बना। बाद में यहाँ पर सोलर सिस्टम के कुछ दूर एक बहुत ही बड़ा स्टार था एक जमाने में, अब नहीं है, उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सूर्य से ये सारे प्लैनेट्स बाहर निकले एक एक करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे ये सोलर सिस्टम है, अब मैं बिल्कुल जैसा वैसे हुआ था वो तो नहीं बता सकता आपको, बट सपोज करो यहाँ पे हम एक बहुत ही बड़ा स्टार रख देते हैं। अब ये यहाँ पर ये है UY स्कूटी, इस वक्त नोन यूनिवर्स में इससे बड़ा स्टार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये स्टार रख दिया जाता है, तो इमीडिएटली सारा सोलर सिस्टम जो है इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्य इमीडिएटली अपनी पोजीशन छोड़कर इस बड़े स्टार की तरफ जाना शुरू कर देगा। मार्स, वीनस, अर्थ, खैर वो जो हीट इतनी प्रोड्यूस करेगा, लाइफ तो जो अर्थ में थी इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स गायब हो जाएगी, मगर जो यहाँ पे अवशेष बचेंगे वो भी धीरे धीरे इस महास्टार की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जो 1900 में जो थ्योरी आई थी चैम्बरलेन और मोल्टन की, वो ये कहती है कि ये स्टार काफी दूर था ऐसा, और उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य से, सूर्य अपनी जगह से नहीं हिला उस वक्त, सूर्य से और जरा प्लैनेट्स धीरे धीरे करके बाहर आए। ऐसी एक थ्योरी सर जेम्स ने भी दी थी 1919 में, कि बेसिकली जब नेब्यूला की वजह से सूर्य का जन्म हुआ, उसके बाद सूर्य के आसपास बहुत सारी गैसेस थी, बहुत सारा डस्ट था, तो
तो उस डस्ट को क्लियर करने के लिए भी ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा विशालकाय स्टार था, जिसकी वजह से जो सारा डस्ट क्लियर हुआ और सोलर सिस्टम जो आज वजूद में है वो आया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे फैक्टर्स लगे होंगे तो जाके एक परफेक्ट सोलर सिस्टम बना। अब खैर, सोलर सिस्टम बना कैसे वो हमने डिस्कस कर लिया, वेरियस थ्योरीज है इसके पीछे। बेसिकली ज्यादातर थ्योरीज यही मानती है कि एक नेब्यूला था, उससे सन का जन्म हुआ, बाकी प्लैनेट्स कैसे वजूद में आए उस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। अब ये जानते हैं कि हर एक प्लैनेट में क्या स्पेशलिटी है, एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे तेज रेवोल्यूशन किसके होते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली सैटेलाइट्स, मून, सबसे ज्यादा मून्स किस प्लैनेट के पास हैं, किसके पास सबसे कम है। ऑफकोर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और इनर मोस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। अब देखो, दो यहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोब्स थे, एक तो था द मैरिनियर 10 और दूसरा था मैसेंजर। इन दोनों मिशन्स ने काफी हद तक मरकरी का ऑब्जर्वेशन किया और मरकरी से जो भी डेटा नासा को चाहिए था वो नासा को प्रोवाइड किया। दोनों मैसेंजर और ये मैरिनियर 10 नासा के थे। जो रेवोल्यूशन पीरियड होता है मरकरी का, मतलब के सन के आसपास घूमने का जो एक पीरियड होता है वो होता है 88 डेज का। फिर बात करते हैं वीनस की। वीनस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर द सन इन द स्काई, ठीक है, और द मून ऑफकोर्स। चांद और सूरज को हम छोड़ दें तो वीनस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई इन आर सोलर सिस्टम। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रखना। दूसरी बात, ये रोटेट उल्टी तरफ करता है। दो प्लैनेट्स हैं जिनकी रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं सिवाय यूरेनस और वीनस के, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो काफी अजीब है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। क्यों है बताऊंगा, क्योंकि काफी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सोलर सिस्टम में सबसे करीब तो मरकरी है, तो मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, वीनस क्यों है, तो अभी बात करेंगे इसके बारे में। वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस पे वेरियस वैसे प्रोब्स भेजे जा चुके हैं अनमैंड ऑफकोर्स, क्योंकि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, तो यहां पे कोई प्रोब ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन को बहुत इंटरेस्ट था वीनस में फॉर सम ऑड रीजन। उन्होंने बहुत सारे रोवर्स भेजे थे यहां पर, तो एक कुछ जो प्रोब्स थे सोवियत्स के, वो वीनस का जो सरफेस है वहां पे लैंड भी कर पाए, मगर जैसे ही उन प्रोब्स ने लैंड वहां पर किया, वहां पे इतनी गर्मी थी, वहां पे एनवायरमेंट इतना हॉस्टाइल होता है वीनस में, कि वो बहुत ही जल्दी टूट फूट गए। ज्यादा टाइम तक कोई इन्फॉर्मेशन अर्थ तक वापस भेज नहीं पाए, तो इसकी वजह से वीनस आज भी कुछ हद तक एक मिस्ट्री है। बट साइंटिस्ट को ज्यादा इस पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ होने के यहां पे चांसेस निल हैं। अब देखो, वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, क्योंकि मरकरी सबसे पास है तब भी वीनस सबसे हॉट क्यों है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि वीनस में एक थिक लेयर है क्लाउड्स की, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस से बनी है, जिससे जो हीट आती है सन की उसको वो ट्रैप कर लेता है, वो हीट कहीं जा नहीं पाती और वो हीट वापस प्लैनेट पे आ जाती है, तो प्लैनेट बिकम्स इवन मोर हॉट। अब बात करते हैं मार्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, ऑब्वियस ही बात है। रेड क्यों कहा जाता है, रेड दिखता क्यों है दूर से, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वहां पर, जो डस्ट है उसका, उससे एक रेडिश सा कास्ट मिलता है पूरे प्लैनेट को, तो दूर से हमको रेड दिखता है वो, ठीक है। और इसका नाम रखा गया था रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम से। और इसका जो ऑर्बिट होता है अराउंड द सन वो 687 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद रखना। और मार्स अर्थ से साइज में छोटा है, ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो निक्स ओलंपिया है, याद रखना। ये हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम में, कम से कम नॉन सोलर सिस्टम में कहूंगा मैं, कल को इससे बड़ा भी मिल सकता है, हु नोज। मार्स के पास दो मून्स हैं, अर्थ के पास सिर्फ एक है जिसको हम मून ही बुलाते हैं, दो एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून बुलाते हैं। यहां पर मार्स के पास दो है, एक तो है फोबोस और दूसरा है डेमोस, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये एक प्लैनेट तो नहीं है, मगर मार्स और जुपिटर के बीच में आती है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, अभी आपको अलग से ग्राफिक से दिखा दूंगा।
तो ये याद रखना है आपको, मार्स और जुपिटर जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है उसके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बहुत छोटे छोटे एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं स्पेस पे, और थाउजेंड्स हैं ये। और ये बेसिकली जो प्लैनेट्स जो चीज़ें नहीं बन पाई, बेसिकली इनको प्लैनेट्स बनना चाहिए था बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सम अदर प्लैनेट ये कभी प्लैनेट बन नहीं पाए, तो बस फ्लोट कर रहे हैं हम स्पेस में, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर के मून्स को काफ़ी डिस्कस करेंगे हम अभी। देखो जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है पहली बात तो, और यहाँ के जो चार मून्स हैं वो काफ़ी फेमस है। द मोस्ट मैसिव ऑफ द मून्स आर द फोर गैलीलियन मून्स, क्योंकि गैलीलियो गैलीले ने इनको डिस्कवर किया था बहुत समय पहले, तो इसलिए 1610 में डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो हम इसको कहते हैं, इन चार मून्स को कहते हैं जुपिटर के गैलीलियन मून्स। तो ये भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन कौन से मून्स हैं। एक तो है लो, फिर है यूरोपा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी बताऊंगा क्यों, फिर है गैनीमेडी या जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, फिर है कैलिस्टो। ये गैनीमेडी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैनीमेडी। इट इज द बिगेस्ट मून इन द एंटायर सोलर सिस्टम, और जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। फिर आता है सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सैटर्न की जो रिंग्स है वो गैलीलियो ने डिस्कवर करी थी, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सैटर्न के जो टोटल मून्स हैं वो 62 है, और जो सैटर्न का एक मून है टाइटन, ये सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। फिर आता है यूरेनस, यूरेनस इज द सेवन्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सातवां प्लैनेट है ऑफ कोर्स, और इसके 27 नोन मून्स हैं, ठीक है, 27। साइंटिस्ट काफी बार यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट्स कहते हैं, जुपिटर को गैस जायंट बुलाया जाता है, यूरेनस और नेपच्यून को काफी बार बुलाया जाता है आइस जायंट, क्योंकि सन से बहुत ज्यादा दूर है, ये रिडिकुलसली कोल्ड है ये पूरा यहाँ पे एरिया। अब यहाँ पे जो आपको ये प्लैनेट है यहाँ पे आपको मिथेन मिलेगा और भी आपको गैसेस मिलेंगी जो काफी हद तक लाइफ को सपोर्ट करती है, बट ये इतनी ज्यादा दूर है सन से कि यहाँ पे लाइफ होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। और इसको विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया था वीनस की तरह इसकी रोटेशन जो है ईस्ट टू वेस्ट होती है रेदर देन वेस्ट टू ईस्ट। फिर आता है नेपच्यून, नेपच्यून एट्थ और फार्देस्ट नोन प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, ओके। और यहां पे इनके 14 सैटेलाइट्स हैं, मतलब 14 मून्स हैं। इसमें से सबसे बड़ा मून है ट्रिटॉन, ये याद रखना है आपको, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है ये, और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉन गैले ने। तो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आजकल इनसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहले तो नेब्यूला का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, नेब्यूला मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो मान लो बहुत सारे आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेब्यूले, ठीक है, ई लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका ये प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग नेब्यूलाज लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, तो दैट इज वेरी इनकरेक्ट। फिर एक और चीज होती है सुपरनोवा, सुपरनोवा एक स्टार की लास्ट डाइंग स्टेज होती है। अब वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है कि उस स्टार की जो एक लाइफ थी वो खत्म होने को आ रही है, जो गैसेस थी वो अपनी ग्रेविटी को संभाल नहीं पा रहा, वो पहले एक्सपैंड करता है फिर वो बस एक्सप्लोड कर जाता है, तो उसकी वजह से भी एक सुपरनोवा बन सकता है। या फिर मान लीजिए हमारा सूरज है, उसके पास एक और आइडेंटिकल सूरज बिल्कुल बहुत ही करीब उसके खड़ा हो जाए, तो वो आपस में टकरा जाएंगे और एक सुपरनोवा तब भी बन जाएगा। तो सुपरनोवा अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम सुपरनोवे कहेंगे, ठीक है, तो ई लगा देंगे यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपको काम आ सकते हैं। देखो जो चार प्लैनेट्स हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा अभी अलग से, उसके अंदर आते हैं वो है अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो इनको हम कहते हैं इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि कल को आप अगर यहाँ पे लैंड करते हो तो एक बार को आप यहाँ पे कदम रख सकते हो, ठीक है, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पे आप खड़े रह पाओगे। फिर बाकी जो यहाँ पे प्लैनेट हैं ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे आप कदम रखने जाओगे तो बिल्कुल अंदर जाते रहोगे, मर भी सकते हो, खैर यहाँ पे ही मर जाओगे मगर यहाँ मरने का चांस ज्यादा है। तो ये हैं जोवियल प्लैनेट्स कहते हैं इनको, या जुपिटर जैसे प्लैनेट्स, ठीक है, इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर को आते हैं ये। फिर यहाँ पे आते हैं तो इनका नाम है जुपिटर,
सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। और ये यूरेनस के बारे में ये जान लो, इसकी जो एक्सिस है उस पर ये 98 डिग्रीज तक सूरज की तरफ झुका हुआ है। धरती भी आपको पता है बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई, हल्की सी सूरज की तरफ टिल्टेड है। तो ये सबसे ज्यादा टिल्टेड अगर सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट है तो वो यूरेनस है। तो इसकी वजह से इसको लॉपसाइडेड प्लैनेट भी कहा जाता है, याद रखना। तो देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है यहां पर इस वक्त, यहां पे आप देख पा रहे होगे। अच्छा ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, यहां पे आप अगर मैं अलग से जूम इन करके इसको थोड़ा सा दिखा दूंगा मार्क करके, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट जहां पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूं। यहां पे आप देख पा रहे होगे मार्स तक ये सारे प्लैनेट जो है, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, ये सब जो है इनर सर्कल में आते हैं। फिर एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, फिर आ जाता है जुपिटर, ठीक है, फिर यहां पे सैटर्न और फिर यूरेनस एंड फाइनली नेपच्यून। अब जरा आपको जुपिटर के मून्स के बारे में कुछ बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होगे ये है जुपिटर। जुपिटर के अब तक, अब मैं जरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6/8/2017 को, अब तक 69 इसके ऑफिशियल मून्स माने जाते हैं, कई बहुत छोटे भी हैं। तो जुपिटर के जो मून्स हैं उसको लेकर हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रहती है कि इसके असल में कितने मून्स हैं। अभी के लिए माना जाता है 69 है। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूं 69 मून्स जब किसी प्लेनेट के आसपास हो तो वो कैसा दिखता है। ये यहां पे आप देख पा रहे होगे ये सब मैंने जो ऑर्बिट है इसके मून्स के, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो हमको जिससे जिसके बारे में हमको जानना है वो है यूरोपा। ये न्यूज में बहुत रहता है यूरोपा, ये थोड़ा जूम इन करता हूं, दिस इज यूरोपा। जुपिटर का एक मून है ये। जुपिटर जैसे आपको पता है सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। यूरोपा इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? देखिए ये माना जाता है कि यूरोपा के जो सरफेस है, यूरोपा का जो पूरा सरफेस है ये बर्फ का बना है, और उसके बर्फ के सरफेस को अगर हम तोड़े तो अंदर माना जाता है कि यूरोपा के अंदर बहुत ही बड़ा ओशन है। जैसा धरती पर ओशन है वैसा यूरोपा में है। तो साइंटिस्ट काफी बार ये मानते हैं कि जिंदगी का अगर सबूत चाहिए तो पानी को खोजो, जहां पे पानी मिल गया जिंदगी हो सकता है वहां पर किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होगी। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूरोपा में लाइफ हो सकती है, और उसके लिए यहां पर इन द फ्यूचर नासा कुछ मिशन भी भेजेगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहां पे लाइफ मिलती है नहीं मिलती। खैर अभी तक ये तो पता लग गया है कि सोलर सिस्टम में बहुत ही लंबे समय तक माना जा रहा था कि सिर्फ धरती में पानी है। अब साइंटिस्ट ये मानने लग गए हैं कि धरती में पानी है मगर सिर्फ सरफेस से दिख जाता है, बाकी प्लैनेट्स में भी या बाकी सैटेलाइट्स में भी पानी हो सकता है, बस वो कवर्ड है आइस से। और ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप कर सकें। एंड गुड लक विद योर स्टडीज, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। गॉड ब्लेस यू ऑल।